6:30 बजे हैं अभी सुबह। अभी आधा एक घंटे में हम यहाँ से औरंगाबाद अभी पहुँचने वाले हैं। देखते हैं कहाँ क्या रहना है, कहाँ ठहरना, बहुत टेंशन में हूँ अभी मैं। कभी जानते हैं कितना क्या रूम का मिलता है, क्या मिलता है। अभी यहाँ से हम दौलताबाद सब दुकानें बंद है, वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे बजने के कितना क्या समय लगता है। उसके बाद में हम धनेश्वर ज्योतिर्लिंग सब अपने काम धंधे पे लगे जो सुबह के हो, औरंगाबाद मध्य प्रदेश में। अभी देखते हैं बस रुकती कहाँ, रुकती क्या रुकती है, हम शाम को या सुबह आपको जैसा भी होगा वहाँ के दर्शन आप लोग। तो आगे अभी और चलते हैं और देखते हैं कहाँ रूम वूम है, कहाँ ठहरने की व्यवस्था है। अभी बहुत टेंशन है, तो वीडियो में हम ये हर एक चीज़ आपको बताते हुए चलेंगे। यस के पी एन डिजिटल चैनल की ओर से कमलेश दुबे, जो कि सुबह सुबह 7 बजे के आसपास औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं। हम एक एक चीज़ कैप्चर करते हुए चलेंगे, आपको बताते चलेंगे कहाँ कौन कौन सी परेशानी हुई कि नहीं हुई है। तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा आप कि औरंगाबाद का सफ़र हमारा किस प्रकार था। रूम से हम अभी नहा धो के फ्रेश होके बाबा पेट्रोल पंप पर आए हैं। यहाँ से हमको डायरेक्ट वरुल जो ज्योतिर्लिंग है और दौलताबाद है सबके लिए यहीं से हमको 42 नंबर का बस मिल जाएगी। 42 नंबर लिखा रहेगा सामने में, 42 नंबर। यहाँ से हमको 50 रुपये लगा है घनेश्वर ज्योतिर्लिंग वरुल के लिए। ये अभी हम ये दौलताबाद का किला जहाँ हम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, ये शाम को हम पहुँचे रूम में गए अपना। रूम में जाने के बाद में हमको 500 रुपये में रूम मिल गया है। और जो धर्मशाला थी वो तो पूरा बोले बस वालों ने बुक कर लिए हैं, तो हमने फिर दो जन थे तो 500 रुपये में एक रूम वहीं पर मिल गया है पास में। बहुत चीकल है, पानी वानी भी गिरा है। शाम के वक्त हम 8 बज रहा है अभी, क्योंकि थक गए थे दौलताबाद से, बहुत घूमना पड़ा हमको 3-4 घंटे। उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और ये हम 8 बजे के आसपास घूमने के लिए थोड़ा निकले हैं, रात के वक्त कैसा क्या माहौल रहता है यहाँ पर। तो चलते हैं अभी अंदर, आपको अभी घनेश्वर जो महादेव ज्योतिर्लिंग है वरुल में, आप वहाँ के जो मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, हम उनके चौखट में आपको घुमाने लाए हैं उनकी नगरी में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कहा जाता है। हम इंदौर से सफ़र करके औरंगाबाद आए, औरंगाबाद से 28-30 के आसपास में वरुल है, वेरुल या वरुल ऐसे ही कुछ कहा जाता है। ये देखिए उधर भी एक मंदिर है, कुछ बच्चे लोग वहाँ पर प्रार्थना या कुछ कर रहे हैं वहाँ पर भी चलेंगे। ये अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, आपको मंदिर की ओर के दर्शन कराते हैं। देखते हैं वहाँ पर कैसी क्या भीड़ है अभी शाम के वक्त। अभी ये दूसरा सोमवार है जहाँ आप दर्शन कर रहे हैं सावन के महीने में। घनेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के वेरुल गांव में है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में से एक है, जो कि एलोरा गुफाओं से 1.5 किलोमीटर दूरी औरंगाबाद शहर के उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर 19 मील और मुंबई से 300 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है। मंदिर की संरचना 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा नष्ट कर दी गई थी। मुगल मराठा संघर्ष के दौरान मंदिर को पुनर्निर्माण के कई दौर हुए और उसके बाद फिर से विनाश हुआ।
शिवाजी के दादा मालोजी भोसले ने पहली बार 16वीं शताब्दी में इनका पूर्ण निर्वाण किया और मुगल सम्राट के पतन के बाद इंदौर की रानी अहिल्या होलकर प्रयोजन में 18वीं शताब्दी में इसके वर्तमान रूप का पूर्ण निर्माण किया गया था। रोजाना भक्तों की लंबी कतारें यहां पर लगी रहती है, आकर्षित करती है। कोई भी मंदिर परिसर और उसके अतिरिक्त कक्ष में प्रवेश कर सकता है, लेकिन जो गर्भगृह है उसमें प्रवेश करने के लिए हिंदू परंपरा की मांग है कि पुरुष को आधे कपड़े पहनकर वहां पर जाना चाहिए, यानी ऊपर का जो बनियान उनियान जो शर्ट उल्ट रहती है वो कुछ नहीं पहनना है आपको, वहां पर तभी जाने दिया जाएगा गर्भगृह। सावन के महीने में देखिए कितनी भीड़ है, दुकान है, पानी गिर रहा है अभी और भरी बरसात में मैं निकल चुका हूँ क्योंकि मेरे से वहाँ पर शांति से बैठ के आराम करके नहीं हो रहा था, इतना थका हुआ हूँ कि एक बार दर्शन हो जाए, उतने दूर से आया हूँ मैं। ये देखिए ये सामने का गेट है, अभी कितने लोग निकल रहे हैं यहाँ पर, अब देखता हूँ मेरी भी इच्छा हो रही है, यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है तो हम भी यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है तो इसको हमें जमा करना पड़ेगा, अब दुकान में बोलते वहाँ कहीं जमा कर दो, ये दुकान है इधर, तो अभी चलते हैं। ये यहाँ पर ये दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर 10 रुपये लगता है, मोबाइल स्लिप देते हैं वो, 10 रुपये हमने वहाँ पर जमा कर दिए हैं, दे दिए हैं, स्लिप ले लिए हैं और अंदर चेक होता है, मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो हम आपको बाहर के दर्शन करा रहे हैं कि देखिए वरूल में जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महादेव ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, ये सब फोटो वोटो शाम को 8 बजे फोटो सेक्शन हो, दुकान देखिए वहाँ पे। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो शिवलिंग है यहाँ पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद वरूल गाँव है वहाँ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, और सुबह भी हम वो मंदिर का गुम्मट देखिए आपको रात को किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ये आप दर्शन कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं, आराम करेंगे और सुबह भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे निकलने के पहले। दर्शन हो गए अभी 5 मिनट में, दर्शन हो गए शिवलिंग के, गणेश्वर महादेव छू के आया हूँ। अंदर तो मंदिर में मोबाइल वोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम बाहर का आपको थोड़ा सा ये अभी शाम के वक्त दिखा रहे हैं, सुबह भी बना और सुबह भी हम आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर। ये देखो कितना पानी गिरा हुआ है, नीचे देख रहे हैं कितना, ये सुबह 7 बजे हम आपको दर्शन कराएंगे, ये प्रार्थना जहाँ पर हो रही थी। और यहीं कहीं पर भी जैसे सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन और शाम को भी यहाँ पर भोजन मिलता है जिन लोगों का होटल वोटल में नहीं जम पाता, इस तरह से हमको अंदर जाना होता है जहाँ पर कि भोजन वोजन 8-8:30 बजे वहाँ पर वितरण होता है। सुबह मेरे ख्याल से नाश्ता वास्ता होता है, शाम को ये बच्चे लोग मेरे ख्याल से यहाँ कुछ प्रेयर या प्रार्थना किताब उताब लिए हैं कर रहे थे, यहाँ कुछ भगवान बैठे हुए हैं और उधर में सुबह हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। वहाँ पर भी एक शंकर जी का मंदिर है, तो हम सुबह नहा धो के मस्त ना आप लोगों को वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। ये सुबह हो गई है, सुबह के वक्त हम निकले हैं रूम से, ये देखिए सामने कितना चीकल है, पूरी रात पानी गिरा है, अब वो उस साइड हमको वहाँ तक जाना है, ये धर्मशाला है जहाँ रुकते हैं, सामने बस वहाँ गए थे हम तो कहे कि भाई बस वालों ने पूरा बुक कर लिया, पूरा बुक है, ये पूरा बस स्टैंड है, जो भी आते हैं यहाँ पर, यहाँ बस कार जो भी खड़ी होती है, ये सामने 20-20 रुपए में फूल बेच रहे हैं। सुबह 7 बजे आप देख रहे हैं, हम यहाँ से 8-8:30 बजे तक के निकल जाएंगे अभी, क्योंकि हमने रात ही को दर्शन कर लिए हैं, आज मंगलवार का दिन है, टीका उका लगा रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर लाइन लग जाती है, इतनी भीड़ है अभी सावन के महीने में। और बहुत शांति मिलती है, शंकर जी की बहुत कृपा है, महिमा है सभी के ऊपर, ये 20-20 रुपए में फूल दे रहे हैं। ये सुबह सुबह सब नहा धो के अपना बेल पत्ती
धतूरा ये सब चढ़ाने के लिए शंकर जी को बहुत पसंद है। वो देखिए सामने का गुम्मट दिख रहा है आपको, 12 ज्योतिर्लिंग में एक से। आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। पूरा हमने आपको वो गली में जितना भी गए हैं, जितना भी हमने देखे हैं, आप भी उसी प्रकार से देख रहे हैं जैसे हमने देखे हैं वहां पर। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। ये सुबह का व्यू देख रहे हैं कृपा का। वहां मैं जिस दिन खड़ा था वहां का भी लाइव वीडियो वहां पर अपलोड करा हूं, आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूं। एकदम लाइव चल रहा था ये, लाइव एकदम सुबह का सावन मंगलवार का दिन सावन सुबह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।